इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान के एक बड़े हथियार ने इसराइल के युद्ध में एंट्री कर ली है। नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है, उनकी नहीं पूरे इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। अब डर है कि ईरान ने अगर इस युद्ध में एंट्री कर ली तो इसराइल खुद को कैसे बचाएगा। इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सौ नहीं, बल्कि 358 मौत देना चाहता है ईरान। इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं। इसराइल ने गाजा पर जितने बम गिराए हैं उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं। तीन सौ अट्ठावन मौत के क्या मायने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज्यादा है? यह इस वक्त इसराइल के चारों तरफ यमराज बनकर मंडरा रहा है। यहां हिजबुल्ला भी है, ईरान भी है, हुथी भी है, और अब इराक का वो मिलिशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर 358 मौत है क्या और इसराइल क्यों इससे घबराया हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो ईरान से निकलकर अब हिजबुल्ला के पास पहुंच गया है। हुथी इसे लगातार फायर कर रहा है। 358 मौत की मिस्ट्री अब खुलकर सामने आ गई है। इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्प तैयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत। ये है जमीन से आसमानी टारगेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही हैं 358 मौत। हिजबुल्ला ने इसी मंडराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेस को मार गिराया। हरमेस 450 इसराइल का बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है। जब ये ड्रोन लेबनन के आसमान में पहुंचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत बांटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला। ये ईरान का वो हरफनमौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल भी है जो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है। ईरान से निकली 358 मौत इसराइल के खुफिया मिशन को धुआं धुआं कर रही है। ये मिसाइल भी है और ड्रोन भी। ये कैसे अपने टारगेट को खत्म करती है, इसकी तकनीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजिए। 358 नाम की ये मिसाइल एक ड्रोन की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में 8 नंबर के आकार की तरह गश्त लगाती रहती है और जैसे ही टारगेट इसकी जद में आता है ये उससे जाकर टकरा जाती है। 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रारेड सेंसर इसे टारगेट की भनक देता है और फिर यह अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है। ये एक ड्रोन से तेज रफ्तार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। हिजबुल्ला ने जब से इसराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आसमान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दायरे को और बढ़ा सकती है। इस बीच ईरान से एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जो ईरान के गाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं।
ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खतरनाक बात ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ठीक ऐसे ही अपने हथियार ईरान ने रूस को भी दिखाए थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने ईरान का दौरा किया था। यह दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया, हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह साफ हो गया कि सर्गेई शोइगू ईरान की खास खास मिसाइल देखने तेहरान आए। ईरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डिटेल रखी, इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए, किस